थोड़े दूर पे अल्लाह ताला से हम कलाम भी होने का शर्फ हासिल हुआ। तो गलती के ऊपर जो निदामत होती है ना, अक्सर हम क्या कहते हैं, और मैं क्या करूँ जी, मैं किधर ढूंढूँ, मैं क्या क्या देखूँ, गलती पे जिद करते हैं हम, मैं तो नहीं कर रहा था, करते हैं ना हम, मैंने थोड़ी किया हो गया। गलती के ऊपर भी बंदा उसको ऑन करे और निदामत करे तो वो अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। और ये अक्सर होता है कि आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसके ऊपर नादिम हो तो अल्लाह ताला आपको ऐसे नवाजता है जो आप सोच भी नहीं रहे होते। ठीक है, तो मेरे साथ भी एक दफ़ा बड़ा एक ऐसा वाक्या हुआ था, मैं ऐसे ऐसे कुछ हो गया, मैंने ऐसे ही हुआ था, मैंने लगा दी थी किसी को, तो वो मुझे हुआ कि नहीं लगानी चाहिए थी ना, तो उसी दिन मेरे साथ अल्लाह ने बड़ा एक खैर का मामला किया था जिसका मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था। तो ये अक्सर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आएँ जी, फिर क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा वहाँ पर गुजारना था, 8 साल या 10 साल की भी उनके पास ऑप्शन थी, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कितने गुजारे होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल गुजारे। अक्सर रवायात से हमें यही पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर 10 साल गुजारे। ठीक है, बेहतर जो ज़्यादा लॉन्गर टाइम कमिटमेंट थी वो पूरी की। ठीक है, खैर का मामला किया, एहसान का मामला किया। तो जब वो कर लिया उन्होंने तो फिर क्या हुआ, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से उन्होंने सोचा कि अब वापस चलते हैं किधर, मिस्र। तो मिस्र में तो उन्होंने बंदा मारा हुआ था, हो गया, मारा गया था उनसे नौजुबिल्ला, और वो मिस्र वाले उनको कत्ल करना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर यहाँ से मिस्र क्यों जा रहे थे, 10 साल तो अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा ना, तो अब वो उनको मिस्र वालों को तो ये मिले भी नहीं, फिरौन और उसके लोगों को 10 साल में कोई नहीं उन तक पहुँच सका, तो फिर क्यों वो मिस्र जा रहे थे दोबारा, फैमिली उधर थी और माँ से मिलने, और वो तो रास्ते में हुआ, वो मदीन से जा क्यों रहे थे मिस्र की तरफ, क्यों जी, लोगों को बचाने, फिरौन के जुल्म को ख़त्म करने के लिए, कोई भी वजह हो सकती है, सारी वजूहात भी हो सकती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वो अकेले ही निकले थे, हमें यही पता चलता है, तो उनके जो बहन, उनकी उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा, वालिद, जो भी फैमिली उनकी, वो वहाँ पे थे। नहीं, वो मिस्र ही जा रहे थे वहाँ से, वो वापस मिस्र की तरफ चल पड़े थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके फैमिली के लोग भी थे, और ये बात भी थी कि उनके अंदर वो जो मामला था ना कि जुल्म को होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और बिल्कुल ख़ुद वहाँ से निकल जाना और अपने लोगों को जुल्म में रहने देना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शयान नहीं था, उनका मिजाज नहीं था। जो भी उन्होंने सोचा हो, कोई प्लान बनाया हो, कोई वहाँ पर जो भी उन्होंने सोचा, लेकिन बहरहाल वो जा वापस मिस्र की तरफ ही रहे थे। तो जब इन्होंने यहाँ पर अपनी ड्यूरेशन मुकम्मल कर ली, फलम्मा कदा मूसल अजला व सारा भी अहली ही, तो फिर क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर वहाँ से निकले, यानी अपनी जोजाए मोहतरमा को। तो कहाँ निकले, आनसा मिन जानिब तूरी नारा। अब हमने कल क्या स्टडी किया था कि कोहे तूर किधर है, ये रेड सी के दो ब्रांचेस ऐसे निकल रही हैं, इधर वो है बहीरा अहमर और इधर मिस्र है। ठीक है, और यहाँ पे है मदीन। ठीक, तो यहाँ से वो गए मदीन की तरफ, तो मदीन से फिर वो वापस इजिप्ट की तरफ आ रहे हैं इस तरफ। ठीक है, या यूं कर लें। ठीक, तो कोहे तूर यहाँ पे आता है इस जगह पे। ठीक, नज़र आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा, तो इधर आ जाओ। तो कोहे तूर इधर
ये जो वाय बन रहा है यहाँ इसके दरमियान में आते हैं। तो जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे उसके पास से, तो उन्होंने क्या देखा, आन असम इन जान बित तूर इनारा, तो उन्होंने तूर की तरफ से देखा कि शायद वहाँ कोई आग है। उनको लगा कि वहाँ पर आग है पहाड़ के ऊपर, दूर से उन्हें रोशनी नज़र आई। तो उस दौर में रोशनी जो है वो आग की सूरत में होती थी ना, अंधेरे में रोशनी आग की सूरत में होती थी। अब तो बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं, उस दौर में समझ यही आती है कि आग की फॉर्म ही होती होगी। कौल अली अहलिहिम कुसू, तो उन्होंने अपने अहले खाना से कहा, इम कुसू, आप यहाँ रुकें, ज़रा यहीं ठहरें, इन्नी आनस्तु नारा, मैं ऐसे करता हूँ कि मुझे नज़र आई है आग, तो लाली आतीकुम मिन्हा बिखबर, तो मैं ऐसे करता हूँ वहाँ जाता हूँ, शायद वहाँ कोई कुटिया हो, वहाँ कोई लोग हों, उनसे कोई ख़बर लेकर आऊँ। वही समझ यही आती है कि उनको रास्ते कभी उस तरह से अंदाज़ा नहीं था, बार बार तो नहीं आए ना, वो एक दफ़ा आए थे और उसके बाद फिर अब वो 10 साल के बाद वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ से कोई ख़बर ले आऊँ, कोई रास्ता पता कर आऊँ, कोई इन्फॉर्मेशन ले आऊँ, कोई पता चले कोई रोग हैं कुछ है, आओ जज़्वतिन मिनन्नार, या फिर मैं आग का अंगारा ले आऊँ वहाँ से, लअल्लकुम तस्तलून, और ये भी पता चलता है कि सर्दियों का मौसम था, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उसके ऊपर तप लेना, ठीक है। और यहाँ पे लअल्लकुम कहा गया है, तुम लोग, लअल्लका नहीं कहा गया, लअल्लकी नहीं कहा गया कि एक नहीं, ये रिस्पेक्ट से भी हो सकता है लअल्लकुम, और ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा हों, माल मवेशी हों साथ, बच्चों का हमें उसमें मिलता नहीं है उस वक्त में, लेकिन वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, मैंने कहा दौरान में बता दूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ तर्जुमे में तमाम मुतर्जिम ने अहलिया जोजा ही लिखा है, और तफासीर में कुछ ने लिखा है कि साथ माल मवेशी भी हुए होंगे, तो इसलिए ज़्यादा का सीगा इस्तेमाल किया गया। खैर, तो ये हम सूरतुल कसस की आयत नंबर 29 है, ठीक है। लेकिन यही वाकया अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में बड़ी खूबसूरती से बयान फरमाया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वहल अताका हदीसु मूसा, कि क्या तुम्हारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख़बर पहुंची है, इज़ रआ नारन, जब उन्होंने आग देखी, उन्हें लगा कि आग है, आग तो नहीं थी ना, वो तो अल्लाह ताला की नूर था, इज रआ नारन, जब उन्हें लगा कि उन्होंने आग देखी है, फ़क़ौल अली अहलिही, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा, इम कुसू, यहीं रुको, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने आग देखी है, मुझे आग नज़र आई है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन, कि मैं जाता हूँ वहाँ से कुछ अंगारा ले आता हूँ, औ अजिदु अलन नारी हुदा, या फिर मैं वहाँ से जाकर कोई रस्ते का आता पता कोई इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ। फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला का बहुत प्यार है। फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पास पहुँचे, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, नू ने पुकारा, ए मूसा, कहाँ पहुँचे थे, फलम्मा, यही अल्फाज इसी तरह के हैं सूरह कसस में कि फलम्मा आताहा नूदिया मिन शौतिल वादिल अयमनी, तो हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, बुलाया, मिन शौतिल वादिल अयमनी, जो कोहे तूर के दाएं तरफ, उसके जो भी इलाका था उसके दाएं तरफ, अयमन दाएं तरफ, शौतिल किनारा, फिल बुक आतिल मुबारका, तो वो जो एरिया था ना, वो ज़मीन की ऐसी जगह है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बरकतों वाला है, जिसके ऊपर हमने बरकत नाजिल की, मिन शजा रहती, और कहाँ से हमने आवाज़ दी, एक दरख्त के पास से, एक दरख्त में से कह लें, या एक दरख्त के पास से, अया मूसा, ए मूसा। अब अल्लाह ताला, जो हम दूसरी कुरान क्लास में भी पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5वीं वही में जाकर अपना इंट्रोडक्शन कराया, यानी वाले मक्का के लिए थे ना, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह को पहचानते थे, तो
अहले मक्का के लिए जो वही नाजिल हो रही है उसमें अल्लाह ताला पांचवी वही में जाकर अपना इंट्रोडक्शन अल्लाह के तौर पर करवा रहा है। पहले रब का वर्ड यूज़ किया है, परवरदिगार का, जो तुम सबको पालता है, तुम्हें ज़रूरियात पूरी करता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट अपना तारुफ़ करवा रहा है, अल्लाह अपना नाम बता रहा है कि मैं कौन हूँ। या मूसा, ए मूसा, इन्नी अनल्लाह रब्बुल आलमीन। पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि मैं अल्लाह हूँ तमाम जहानों का पालने वाला, और रब के ऊपर हमने कल भी स्टडी किया था। ऐ मूसा, खाली तुम्हें ही नहीं पाला, तुम्हारी माँ को पैदा किया, तुम्हारे बाप को पैदा किया, तुम्हारे भाई को पैदा किया, तुम्हारी बहन को पैदा किया, वो बहन फिर तुम्हें बक्से में डलवाया, बक्से से फिरौन के महल तक पहुँचाया, तुम्हें हर जुल्म से बचाया, तुम्हें उस साल में बचाया जिस साल में बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, फिर बनी इसराइल और के ग़ुलामी वाले इलाके से निकाल कर तुम्हें महल में तुम्हारा बंदोबस्त फरमाया, फिर फिरौन के जुल्म से तुम्हें बचाया, फिर वहाँ से निकाला। अब यहाँ तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला हो गया है कि मदियन में पहुँचे, मदियन में तुम्हें जॉब दिलवाई, तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हें फिर वहाँ से यहाँ भी लेकर आ रहा हूँ। ये तो तुम्हारा रब हो, लेकिन रब्बिल आलमीन, जिस ज़मीन पर तुम हो वो ज़मीन हमने बनाई, जिस आसमान की बारिश से तुम फ़ायदा उठाते हो वो आसमान हमने बनाया, जो बादल बारिश बरसाते हैं वो हमने पैदा किए, जो समुंदरों का पानी है ज़मीन को बैलेंस में रखता है, जो बादलों की सूरत में जाता है वो भी हमने पैदा किए, जो फसलें तुम लोग खाते हो वो भी हमने पैदा किए, जो चौपाए और जानवर हैं वो भी अल्लाह ने पैदा किए। खाली इनका नहीं, फिर जो अहकामात फरिश्ते लेकर आते हैं वो भी अल्लाह ने पैदा किए, जो तुमसे पहले मखलूक थी जिन्नात वो भी हमने पैदा किए थे, जो तुम्हारे आबाओ अजदाद थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, वो सब भी हमने पैदा किए थे, उनके जद्दे अमजद जो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो भी हमने पैदा किए थे। तुम्हें उसमें पैदा किया कि जो पहले भी पानी की जो सूरत हाल थी जिसमें सब इंसान गर्क हो गए थे सवाए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के और कश्ती वालों के, तुम्हें उस वक्त में वहाँ से लेकर आया, वहाँ से तुम्हें बचाया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सीरीज़ में रखा, यानी किसी और में नहीं किया, अहले खैर में से किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सीरीज़ में रखा। और ख़ाली ये नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सीरीज़ से भी ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमने पैदा किया। ये रब्बुल आलमीन की आप जितनी तारीफ़ करते जाएँ करते जाएँ, कुल लौ कानल बहरु मिदाद लिकलिमाति रब्बी لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, इसकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। चाहे समुंदर ले आए और बार बार ले आए, उनको स्याही बनाए, उनसे लिखें, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ ख़त्म नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला अपना तारुफ करवा रहा है कि इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा मैं कौन हूँ, अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला हूँ। और यही अल्फाज अल्लाह ताला ने सूरह तौहा में फिर आगे कहे हैं कि फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा, तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंच गए तो हमने फिर आवाज़ दी, नूदिया फलम्मा नूदिया, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने लिए हम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अपनी बड़ाई और अपनी अज़मत अल्लाह ताला खुद बयान फरमा रहे हैं, इसमें झलक रही है इन अल्फाज में। फलम्मा नूदिया या मूसा, फिर हमने आवाज़ दी, ऐ मूसा, फिर अल्लाह, या शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, शायद वाहिद का सीगा ही है क्योंकि आगे वाहिद है, इन्नी अना रब्बुक, फिर अल्लाह ताला ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया, इन्नी अना रब्बुक, प्यार है इसमें, इन्नी है तो फिर वो प्यार होगा, वो बड़ाई के बजाय अल्लाह ताला प्यार के अल्फाज इस्तेमाल करें, इन्नी अना रब्बुक, या दूसरे अल्फाज में अल्लाह ताला बताया कि मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, रब्बुक। अब वही सारी डेफिनेशन है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी वाली, फ़खला ना अलैक, ऐसा करो अपनी जूतियाँ उतार दो, क्यों, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, तुम इंतहाई पाकीज़ा वादी वादी तुआ में हो, व अनख, फिर अल्लाह ताला अब अगली बात बता रहे, अपना इंट्रोडक्शन करा दिया और साथ में अगली बात बता रहा है, वा अनख्तर तुका फस्तमिअ लिमा यूहा, मैंने तुम्हें चुन लिया है, फस्तमिअ लिमा यूहा, लिहाजा सुनो जो कुछ भी मैं तुम्हारे ऊपर वही कर रहा हूँ, जो कुछ तुम्हें, ये वही है नबी वाली, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में
वही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दिल में बात डालने का है, क्योंकि वो नबी नहीं थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, तो अल्लाह ताला उनसे कलाम फरमा रहा है, लिहाजा उनको क्या कहा जाता है, कलीमुल्ला। तो अल्लाह ताला अब उनको बिल्कुल वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहा है कि वह अनख्तर तो का मैंने तुम्हें चुन लिया है, फस्तमी अलिमा यूहा, लिहाजा ध्यान से सुनो जो कुछ मैं तुम्हें वही कर रहा हूँ, जो कुछ बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। अब वही अल्फाज होते हैं, इन्ननी अनल्लाह, मैं कौन हूँ, अल्लाह हूँ। अगली बात, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, फ़ाबुदनी, लिहाजा है मूसा तुमने हमेशा मेरी ही इबादत करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या अम्बिया जितने भी होते हैं वो शिर्क से पाक होते हैं, उन्होंने कभी भी नहीं की होती अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, फिर भी ये अल्लाह ताला की तरफ से रिमाइंडर है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वन टू वन प्यार भरी कन्वर्सेशन है, फ़ाबुदनी, लिहाजा मेरी ही इबादत करना हमेशा, व अक़िम सलाती सलाता ले ज़िक्री, और नमाज कायम करना ताकि तुम मुझे याद रखो। यहाँ पर क्या है, ये वो नमाज है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी जा रही है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सबक याद रहा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सबक याद था, और उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, 50 नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे थे, तो उनसे कहा नहीं नहीं वापस जाएँ काम कराएँ, फिर वापस जाएँ काम कराएँ, फिर वापस जाएँ काम कराएँ। तो हमारे ऊपर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट एहसान है, वरना 50 नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं ठीक है बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये जो नमाज अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने याद रखा, फिर हम तक भी वो आसानी अल्लाह ताला से दिलवा के दी हमें। उन्हें पता था कि मैं तो अल्लाह ताला से प्यार की बातें करता रहता हूँ, अल्लाह ताला से लाड लेता रहता हूँ, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुज़ुर्गी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ना अल्लाह का मामला प्यार वाला था, हाँ 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 लाड वाला मामला था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बुज़ुर्गी थी और वाला मामला था, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी ना। वो कन्वर्सेशन भी बड़ी लाड वाली हुई थी जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मातिल कभी यमीनी का या मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो उन्होंने बड़ी, वो फिर हम कल पढ़ेंगे। तो खैर, वह आकिम सलात अल ज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करते रहना। और अल्लाह ताला ने फिर यही बात मुख्तलिफ जगह पर कुरान में बयान फरमाई, सूरह मरियम में जिस तरह बयान फरमाइए कि वज़कुरफ़ी किताब मूसा, अपनी किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें, इन्नहु काना मुखलसम, वो बहुत ही मुखलिस थे अल्लाह ताला के साथ मुखलिस थे, वकान रसूल नबिया, और वो रसूल नबी थे। रसूल कौन होता है, जिसके ऊपर नई शरीयत आती है, नबी वो होते हैं जो पिछली शरीयत को लेकर चलते हैं। वनादैनाहु मिन जानिब तूर अलअयमनी, तो हमने कोहे तूर के दाईं तरफ वाली वादी से उनको, उसको यहाँ पे हवा है, वनादैनाहु, हमने उनको आवाज़ दी थी कोहे तूर के दाईं तरफ से, वकर्रबनाहु नजिया, और करीब किया, नजिया क्यों, सरगोशी करने के लिए, बड़े प्यारे अल्फाज हैं। तो अल्लाह ताला ने वन टू वन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर में कलाम फरमाया, फिर आगे क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला ने वहीं पर उन्हें मौजाद भी अता फरमाए और हुक्म भी दिया कि फ़िरौन की तरफ जाओ। सूरतुन नाज़ियात में है ना, वहल अता का हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तगा फ़क़ुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़बा व असा थुम्मा अदबरा यसअ फ़हशरा फ़नादा فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نقال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى। फिरौन की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने स्टोरी शॉर्ट करके सूरतुन नाज़ियात में भी बताई है, लेकिन हम डिटेल में पढ़े इंशाल्लाह कोहे तूर के बाद क्या हुआ और कोहे तूर पे मौजज़ात जो मिले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, वो इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 7 में स्टडी करेंगे। जो कुछ हक कहने की तौफीक हुई बेशक अल्लाह ताला की तरफ से है, कोई कमी कोताही रह गई तो वो बेशक मेरी ज़ाती कमी कोताही है, अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए। जो कुछ हक कहा अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह ताला उसके वबाल से हम सबको महफूज फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा
आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा अल्लिमना बिल कुरआन अल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।